और हम आए हैं यहाँ पे यूके में। भैया यूके ये यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, ये हमारा अपना उत्तराखंड, हमारी अपनी देवभूमि में। तो हमने शुरू करी है दोस्तों यहाँ पे चार धाम यात्रा, और हमने स्टार्ट किया है, हमने वे लिया है यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम तक। मसाला गहरा भरना। वाह भैया, धनिया भी सब कुछ मिलेगा। वो तो नहीं है ना हमारा, ये ना आपका ये है, ये भरा जाएगा। देखिए भैया, पहाड़ी आलू के पराठे बड़ी मेहनत से और प्रेम से खिलाते हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? रवि तोमर। रवि तोमर जी, कैसा रहा भैया आपका ये वाला सीजन कोरोना के बाद? कोरोना के बाद नहीं चल रहा उतना अच्छा, नहीं चल रहा नहीं। जितनी भीड़ पहले लगी रहती है, आपको एक 7 घंटा लगता है एक आदमी को यहाँ पहुँचने में फुल अच्छा। सीजन में अब अच्छा। तो 2-3 घंटे में पहुँचे जा रहे हैं अच्छा। पराठा, मैगी, और आपको अवेलेबल होता है यहाँ पर चावल, और यहाँ पर ही दिया जाने वाला राजमा। ये राजमा चावल हम बाद में खाने वाले हैं, अभी फिलहाल हम इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं कुल 6 किलोमीटर की, तो हमको बहुत भूख लगी हुई है, पेट में चूहे पड़ने लग गए। तो हमने आते ही पहले पराठा ऑर्डर किया है, और ये रेडी हो रहा है हमारा पराठा। चाय भैया पाउडर की बनाते हो दूध की? भैया अमूल, अमूल चाय पाउडर की दूध की? अमूल, अमूल दूध की। अच्छा भैया, इस तरीके से ये लोग यहाँ पर टेंट के नीचे अपना छोटा सा किचन लगाते हैं लोड़ी टाइप, और इस पर ये इतनी मेहनत से पराठा बनाते हैं। डेली ऊपर चढ़ते हो? डेली हाँ। यहाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ भी रहते हैं कभी कभी, यहाँ रहते हैं कभी कभी घर जाते हैं। तो यहाँ रहते हैं तो ठंड नहीं होती बहुत? नहीं ठंड नहीं होती, आप लोगों को नहीं लगती? यूनिक कपड़े हैं ना ये, देखिए भैया मस्त बड़ा सिकरिया है परांठा हमारा। भैया यहाँ तक आप लोग टंकी कैसे चढ़ा के लाते हो? खच्चर पे? अच्छा, बहुत महंगा पड़ता होगा। हाँ। क्या है हमारे हाथ में? गर्मा गर्म आलू का पराठा, आपको दिख रही होगी इसमें से गरम गरम भाप निकलते हुए। भैया बहुत ही अच्छी फिलिंग है इसमें, धनिया आलू, और आलू जो इसमें यूज़ में लिया जाता है वो लोकल आलू है, पहाड़ों पर ये आलू की खेती करते हैं। और ये पराठा बनाया इन्होंने, दिखने में तो बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है, तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। उसके साथ में इन्होंने मैगी सॉस और अचार भी दिया है। बहुत ही अच्छा भैया, 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद में पराठा जब मुंह में आया है तो ऐसे मज़ा आ रहा है खाने में, और बहुत ही क्रिस्पी बनाया है इस भैया ने आलू का पराठा। इसके अंदर जो आलू है वो एकदम मीठा मीठा आलू लग रहा है, तो यमुनोत्री धाम का रवि तोमर भैया का बहुत ही टेस्टी और फेमस पराठा। तो पराठा इतना अच्छा लगा भैया,
कि हम दो पराठे खा चुके हैं लेकिन हम तीसरा पराठा और ऑर्डर कर रहे हैं। तो हम रवि भैया से इसकी रेट भी पूछ रहे थे। भैया क्या रेट है पराठे की? 50 रुपए है मैम। बहुत ही टेस्टी पराठा बना रहे हो। रियली ये फेक नहीं कह रही हूँ मैं आपको रियली रिकमेंड करना चाहती हूँ। हमने ट्राई किया इनका पराठा तो बहुत ही टेस्टी लगा, तो हमने एक दो नहीं तीन तीन चार चार पराठे भैया को ऑर्डर कर दिए। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक रवि भैया अवेलेबल है आप लोगों की सेवा के लिए। तो आप जब भी यमुनोत्री धाम आ रहे हैं तो इनका पराठा जरूर ट्राई कीजिएगा।